हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस हिंदी हिस्ट्री की जो सॉल्यूशन क्लास है, इसमें आइए देखते हैं जल्दी से हिस्ट्री के सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए हमारे जो आपने लाइव क्लास जिन्होंने ली थी उन सबको पता होगा, सारे के सारे क्वेश्चन हमारी क्लास में से आए हैं। तो यहाँ पर पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, देखिए कि मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन था। तो ये चार ऑप्शन है, इसमें से ऑप्शन अ सही है, चंद्रगुप्त जो है ये मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। रात वाली क्लास में हमने इसे स्पष्ट रूप से कहा था कि चाणक्य की मदद से इन्होंने गुप्त मौर्य साम्राज्य की, जो चंद्रगुप्त है इसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन काल में मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था। तो इसका सही ऑप्शन है द, दसपुर के नाम से मंदसौर जो है वो प्राचीन काल में जाना जाता था। नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, प्रभावती गुप्त किस वंश की प्रसिद्ध शासिका थी। तो प्रभावती गुप्त जो है शासिका थी और इसके बारे में ये भी उल्लेख मिलता है कि इन्होंने भूमि दान दी थी। अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, किताब उल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये अल बिरूनी की किताब है, अल बिरूनी जो कि ख्वारिज्म से भारत आए थे, उज्बेकिस्तान के रहने वाले थे और इन्होंने जो है अरबी भाषा में अपनी किताब लिखी थी, किताब उल हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मगध की राजधानी क्या थी। तो मगध की राजधानी थी यहाँ पर मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र, पहली राजगृह थी और दूसरी जो है वो मगध की राजधानी थी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है छठा क्वेश्चन है, मिट्टी के बने हल के प्रतिरूप किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। तो बनावली जो हरियाणा में है यहाँ से मिट्टी के बने हुए हल के प्रतिरूप प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु क्या है। तो जो हड़प्पाई मोहरे हैं, ऑप्शन स इसका सही है, मोहर जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। अगला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे। तो बहादुर शाह जफर जो हैं ये 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह थे। अगला क्वेश्चन है नवा, बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त कब लागू हुआ था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, 1793 में बंगाल में स्तंभरारी बंदोबस्त लागू हुआ था। दसवां प्रश्न है, अकबर के काल का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो अकबर के समय में अबुल फजल, ऑप्शन ब इसका सही जवाब है, अबुल फजल जो है ये अकबर के काल का दरबारी इतिहासकार था और बाकी जो है ना बर्नियर यानी फ्रांसवा बर्नियर, अल बिरूनी और इब्न बतूता ये इससे पहले के समय भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था। तालीकोटा या फिर इसे राक्षस तांगड़ी के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 1565 ईस्वी में हुआ था जिसमें विजयनगर साम्राज्य की हार हुई थी। अगला क्वेश्चन है 12वां, कौन से सूफी संत गरीब नवाज के नाम से जाने जाते हैं। तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब हैं, ऑप्शन स इसका है, गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनकी दरगाह अजमेर में स्थित है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने की और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हैं। पहला लिखा हुआ है कि सितंबर 1939 में विश्व युद्ध प्रारंभ हो गया था, तो दूसरा विश्व युद्ध जो है वो प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ था। मैंने आपको ये जो क्वेश्चन था रात को जो हम क्लास ले रहे थे उसमें मैंने बताया था कि पहला 31 में हुआ था, दूसरा 31 में और तीसरा जो है गोलमेज सम्मेलन वो 32 में हुआ था। ये तीनों लंदन में हुए थे, दूसरे में गांधी जी ने भाग लिया था। नेक्स्ट है, प्लासी के युद्ध में किसकी पराजय हुई थी। तो प्लासी के युद्ध में जो है बंगाल की पराजय हुई थी, ठीक है, सिराजुद्दौला बंगाल की पराजय हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास कब किया गया था। तो अखिल भारतीय जनगणना का पहला प्रयास 1872 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है, 1861 में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। तो अमेरिका में जो है ये 1861 में गृह युद्ध प्रारंभ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 में ब्रिटेन में कपास आपूर्ति संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, तो ये हमने किए रिक्त स्थान वाले और अब करते हैं अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न। पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो महात्मा गांधी ने 1942 में बम्बई से जो है ये आंदोलन प्रारंभ किया था, भारत छोड़ो आंदोलन, और इसमें गांधी जी ने करो और मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा है, महात्मा गांधी ने अपने सत्याग्रह के लिए नमक को मुद्दा क्यों बनाया था। क्योंकि उस समय नमक पर टैक्स लगता था और गांधी जी ने दांडी मार्च जो शुरू किया था 12 मार्च 1930 से और 6 अप्रैल 1930 को जब दांडी पहुंचे थे, यहां पर इन्होंने नमक कानून को तोड़ा था और उसके बाद में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला क्वेश्चन है, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण क्यों करवाया गया। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम और उनकी पत्नी मैरी के स्वागत में 1911 में जो है वो मुंबई में करवाया गया था। अगला क्वेश्चन है, अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कब किया गया था। तो 1856 में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कुशासन का आरोप लगा करके विलय कर दिया गया था। अंडाल कौन थी, तो अंडाल जो है ये विष्णु की भक्त थी और अपने आप को विष्णु की प्रेसी मान करके जो है ये विष्णु की पूजा करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकबर ने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की कुल कितनी बार यात्रा करी थी। तो अकबर ने कुल 14 बार जो है वो ख्वाजा साहब की यात्रा करी थी। अगला क्वेश्चन है कि इब्न बतूता ने किस शहर को भारत का सबसे बड़ा
बड़ा शहर बताया था। तो इब्न बतूता ने दिल्ली को और इसी के साथ दौलताबाद जो कि महाराष्ट्र में है, इन दोनों शहरों को भारत में सबसे बड़ा बताया था। शाहजहाँ के सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? तो दारा सिको शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। मनुस्मृति का संकलन कब किया गया था? और उसके बाद में लिखा हुआ है कि मनुस्मृति में पैतृक संपत्ति के बंटवारे के संबंध में स्त्रियों के लिए क्या प्रावधान किया गया है? तो मनुस्मृति में यह कहा गया है कि जो पैतृक संपत्ति होगी उसमें स्त्रियों का कोई हिस्सा नहीं होगा। मतलब स्त्रियां अपने पैतृक संपत्ति में, पिता की संपत्ति में कोई हिस्से की मांग नहीं करेगी, उन्हें नहीं दी जाएगी, जबकि उन्हें उपहार या फिर दहेज जो है वो दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहिर्विवाह पद्धति से आप क्या समझते हैं? तो बहिर्विवाह का मतलब होता है गोत्र से बाहर विवाह करना, उसे बहिर्विवाह पद्धति कहते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारे के सारे क्वेश्चंस देखे, और इसके अलावा बाकी जो क्वेश्चंस हैं उसके आपको अपलोडेड वीडियोस मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।